हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके रिश्ते की एनर्जीज, इस वक्त आपके रिश्ते में क्या चल रहा है और आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए। देखते हैं क्या निकल के आता है। एकदम हैप्पी रहती है तभी ना दे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है तो हर एक बात आपके साथ रिजल्ट नहीं कर सकती। जो रिजल्ट होता है उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से महीनों से इंतजार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग कराने है, स्क्रीन पे दिए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है। और यस, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है। जो भी फ्री के लिए मैसेज करेगा, इरिटेट करेगा, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है? तो देखते इस वक्त के आपके इस रिलेशनशिप के एनर्जीज़ क्या है। तो यस, इस रिश्ते में जैसे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रक सिचुएशन, रुकी हुई सिचुएशन है। आप दोनों का ही दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते में फ्यूचर में होने वाला क्या है। दिल बहुत करता है एक्शन लेने का आपका, आपको लगता है कि अभी जाके बात करूं, अभी जाके क्लैरिटी लेकर आओ उससे कि चाहता क्या हो, मेरे साथ क्या करना चाहता है। लेकिन आप जो कि एक्शन नहीं लेते हो क्योंकि आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा फील होती है। ये थर्ड पार्टी के साथ आना चाहता है तो इस थर्ड पार्टी के साथ मुझे तो नहीं जाना है आपका इस तरह से, इसलिए एक्शन लेने का दिल करता है लेकिन आप लेते नहीं हो। हैंग्ड है दिमाग आपका, समझ में नहीं आ रहा। आपके पार्टनर का भी यही है, हैंग्ड है दिमाग, समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे जाना है थर्ड पार्टी के साथ लेकिन मैं जाऊंगा तो ये क्या करेगी, ये क्या आंसर करेगी। जो कि इनको ये पता है कि आप इनको रिजेक्ट ही करोगे, टाटा बाय बाय ही करोगे, तो ये आपका टाटा बाय बाय नहीं सुनना चाहते, इसलिए एक्शन लेते लेते रुक जाते हैं। लेना चाहते लेकिन सोचते हैं फिर रुक जाते हैं क्योंकि सोच समझ के सही डिसीजन लेना इनको अच्छे से आता है। तो इनको लगता है कि अभी जाऊंगा तो शायद ये मनाही करेगी, थोड़ा और इंतज़ार कराता हूँ इनका इस तरह से। यहाँ पे जैसे कि सेलिब्रेशन का कार्ड आ चुका है आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में। आप दोनों ही सेलिब्रेशंस का इंतज़ार कर रहे हो, दोनों ही इस रिश्ते में रीयूनियन का इंतज़ार कर रहे हो। आपके जो भी पार्टनर स्ट्रॉन्गली कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एरीज लियो सैजिटेरियस के हो सकते हैं। और देख लेते हैं क्या है इस रिलेशनशिप की इस वक्त की एनर्जीज। यस, इस थर्ड पार्टी ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, आपको बहुत ज़्यादा आपका दिल तोड़ा गया है, इस वजह से आप कन्फ्यूज्ड हो। ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है, इस रोमांटिक थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिमाग बहुत ज़्यादा पागल हो चुका है। आपने डिवाइन के ऊपर इस रिश्ते को सरेंडर कर दिया, आपके पार्टनर ने भी, क्योंकि वो भी इस थर्ड पार्टी से परेशान है और वो भी इस थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं। तो आप दोनों ने जैसे कि डिवाइन के ऊपर रिश्ते को सरेंडर कर दिया है और कहीं ना कहीं उम्मीद है कि यस, इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा हो जाएगा फ्यूचर में। इस तरह से आपको लगता है जैसा आप चाहते हो वैसा हो जाएगा, आप दोनों फ्यूचर में एक साथ होने वाले हो। आपको ये दोनों को वाइब्स आती है बहुत ज़्यादा, ये थर्ड पार्टी चली जाएगी और आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आएगा। आप इस वक्त फील करते हो दोनों इस तरह से, ठीक है? तो एनर्जीज आपके रिश्ते की है। यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी आ चुकी है, आपके आपके पार्टनर के साइंस हो सकती है। नंबर यहाँ पे 12 7 1 3 3 3 3 3 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, ठीक है? तो इस रिलेशनशिप की इस वक्त की एनर्जीज है। हम देखते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, तो क्या सोच रहे इस वक्त आपके लिए। ट्रू मैसेज दे यूनिवर्स, इस वक्त इनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। ट्रू मैसेज दे यूनिवर्स, इस वक्त इनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। वो जैसे कि ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? चांसेस बनते हैं ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, कहीं दूर है, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं तो आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा आपको बताना चाहते हैं कि बहुत जल्द मैं तेरे पास आने वाला हूँ, तुझे कुछ बताना है, लेकिन इस वक्त मेरे पास समझ में नहीं आ रहा है, वर्ड्स नहीं हैं, लेकिन तेरे बिना मैं बहुत ज़्यादा अकेला हूँ, आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। और इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है आपकी ज़िंदगी में जो इन्होंने थर्ड पार्टी लाई है और जिसके बाद आपको जो उन्होंने मतलब तोड़ के रख दिया, आपको अपनी ज़िंदगी में अकेला छोड़ दिया, इस बात का इस वक्त इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। और जो कि अपने रिग्रेशन से बाहर निकलना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं, आके आपको इस रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। चांसेस बनते कहीं पे ट्रैवलिंग पे गए भी हो और नहीं गए तो बहुत जल्दी जाने वाले हैं। और ये भी हो सकता है कि ट्रैवल करके आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं। ये 10 ऑफ सोर्स वाले पेन से इस वक्त बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। जो भी इन्होंने आपके साथ पहले किया है ना, उनको उस टाइम पे इस बात के ऊपर भरोसा नहीं था, मतलब इनको ऐसा नहीं लगा था कि इन्होंने कुछ ज़्यादा तकलीफ दी है आपको, बस इनको लगा था मेरी मजबूरी है तो मैं क्या करूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, घर वाले मेरे ऐसे ही है, मानते ही नहीं है तो क्या करूँ। इस टाइम पे इजीली उन्होंने मुआन कर लिया, लेकिन वो तकलीफ़
कितने टाइम के बाद, एक दो साल हो चुके हैं, चार पाँच साल हो चुके हैं या फिर चार पाँच महीने हो चुके हैं, लेकिन इनको अब ये फीलिंग समझ में आ चुकी है कि आपने कौन सी तकलीफ़ से, आप किस तकलीफ़ से गुजरे हो उस टाइम पे, और इस वजह से वो तकलीफ़ महसूस करते वक्त इनको ये बहुत ज़्यादा टेन ऑफ सोर्ड्स वाला पेन इस वक्त महसूस हो रहा है। बहुत ज़्यादा पछता रहे, इनको लग रहा है कि शायद इन्होंने मतलब कि कुछ रखा ही नहीं है आपसे बोलने के लिए। बहुत ज़्यादा मतलब सैड एनर्जीज है, नेगेटिविटी है, इनको लगता है कि अब इनकी ज़िंदगी में शायद कभी खुशियाँ नहीं आएगी। इनको आपकी बहुत ज़्यादा ये रूड एनर्जीज फील हो रही हैं कि आप जो कि इस रिश्ते के ऊपर आप ना तो वर्क करना चाहते हो ना तो इनके साथ रिश्ते में जाना चाहते हो। बहुत ज़्यादा आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, आप चेंज हो चुके हो, आप पहले जैसे सॉफ्ट हार्टेड नहीं रहे, आप में बहुत ज़्यादा रूडनेस आ चुकी है। आप जो अब जो कि आप इनसे झगड़ा करने के लिए, मारामारी करने के लिए भी रेडी हो, इनको आपकी तरफ से एनर्जी इस वक्त आ रही है। ठीक है, हम देखते हैं इस रिश्ते के लिए आपको एंजल्स क्या गाइड करते हैं इस वक्त, गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स को इस वक्त इस रिलेशनशिप के लिए क्या जानने की ज़रूरत है। ट्रू मैसेज दें इस वक्त मेरे व्यूअर्स को इस रिलेशनशिप के लिए क्या जानने की ज़रूरत है, क्या जानना चाहिए आपको। देयर आर समथिंग बेटर। अगर आप थक चुके हैं ना इनका इंतज़ार करते करते, तो आपको यूनिवर्स बता रहे कि आपके लिए इनसे भी बेटर ऑप्शन मिलने वाला है। कोई ऐसा पर्सन आएगा आपकी ज़िंदगी में जो आपसे इनसे भी ज़्यादा प्यार करेगा। भी ऐसे रहते आपको अपनी ज़िंदगी को लेके पॉजिटिव रहना है, कभी भी नेगेटिव थॉट मत लाओ ज़िंदगी में। आपने इस वक्त जो भी सोचा है उसका आंसर यस है, और अगर आपने इस वक्त ऐसा नहीं सोचा था तो डेफिनेटली आपके पार्टनर है जिनके बारे में आप इस वक्त रीडिंग देख रहे हो, उनके साथ फ्यूचर में आपका रीयूनियन डेफिनेटली होने वाला है। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको यही बता रहा है इस वक्त। तो अगर रीडिंग रहते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग कराना है, स्क्रीन पे दिए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।